हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं लेग अप दी होल पोजीशन के बारे में। लेग अप दी होल पोजीशन क्या है, ये कौन सी लेडीज़ को प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि लेग अप दी होल पोजीशन रिलेशन के बाद यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी बहुत जल्दी से कंसीव हो जाती है। ये आपको स्पर्म को ऊपर असेंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये कहाँ तक सही है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट वर्सेस मिथ वाली बातें हो गई है। कोई बोलता है ये सही है, कोई बोलता है ये गलत है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आती रहती है अपॉइंटमेंट के टाइम पे। लेडीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पूछती है कि मुझे ये पोजीशन ट्राई करनी चाहिए या नहीं, मेरे केस में ज़रूरत है या नहीं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जहाँ पर आपको लेग अप दी होल पोजीशन हेल्प करेगी, और कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। यदि आप वो प्रैक्टिस ना भी करें तो भी वो चलेगा। दूसरा, ये भी कन्फ्यूज़न होता है लेडीज़ को कि रिलेशन के बाद तुरंत मैं उठ सकती या नहीं, या फिर पूरी रात मुझे ऐसे ही सोना है, क्योंकि जो मैं खड़ी हो जाऊंगी तो सारा बाहर आ जाएगा और वहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये चीज़ यदि आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो उसकी वजह से वो हेल्प नहीं करेगी। उस चीज़ की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो आपको क्या करना है, उस सब के लिए मैं टिप्स देने वाली हूँ। तो वीडियो आखिर तक बने रहेगा, वीडियो आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलेगा। और आप फ्रेंड पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो चलिए बात करते हैं पहले लेग अप दी होल पोजीशन के बारे में। एक्चुअली में लेग अप दी होल पोजीशन एक योगासन है, विपरीता करणी उसका नाम है योगासन। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि रिलेशन के बाद ही प्रैक्टिस करनी है, उसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं। जैसे कि वो आपके मूड को रिलैक्स करता है, टेंशन घटाता है, स्ट्रेस घटाता है। दूसरा, वो आपके यूट्रस को और आपकी ओवरीज को ब्लड फ्लो बढ़ाता है। और जिसको भी पैरों में सूजन की तकलीफ होती है, वेरिकोज वेन होती है, उन लोगों को भी, यानी कि वहाँ पर लेग में यदि आपके खून को स्टेग्नेशन की, यानी कि ब्लड स्टेग्नेशन की तकलीफ हो, उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ओवरऑल ये आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किन किन लोगों को ये लेग अप दी होल पोजीशन ट्राई करनी चाहिए, जहाँ पर आपको ये प्रेगनेंसी रखने में, प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला, जहाँ पर स्पर्म काउंट कम हो वहाँ पर ये आसन बेनिफिट करता है। दूसरा, स्पर्म की मोटिलिटी कम होती है वहाँ पर भी आपको ये आसन हेल्प करेगा। तो यदि आपने सीमेन रिपोर्ट देखा होगा तो उसमें दो तरह का होगा, स्पर्म काउंट और उसकी मोटिलिटी, दोनों देखने पड़ती है। कई बार क्या होता है, काउंट अच्छा होता है लेकिन उसकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, 30-40% होती है। कई बार काउंट भी कम होता है, मोटिलिटी भी कम होती है। तो उस जगह पर यदि आप लेग अप दी होल पोजीशन ट्राई करेंगे, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, स्पर्म को ऊपर तक पहुँचाने में ये हेल्प करती है। दूसरा, यदि आपकी, यानी कि लेडीज़ के अंदर जो यूट्रस पोजीशन होती है वो चेंज हो गई है, यानी कि जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो इंटीवर्टेड होती है, एब्डोमेन की तरफ उसकी जो सर्विक्स होती है, उसका जो मुख होता है वो एब्डोमेन की तरफ होता है, और वो इजीली कंसीव करने में हेल्प करता है। वो पोजीशन ही ऐसी होती है तो स्पर्म अच्छी तरह से असेंड हो जाएंगे, क्योंकि कुदरत ने बनाई ऐसी रचना अंदर। तो यदि आपका यूट्रस इंटीवर्टेड नहीं है, रिट्रोवर्टेड है, वो रिट्रोवर्टेड यूट्रस में यदि आप इस तरह से लेग अप दी होल पोजीशन ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर से बेनिफिट मिलेगा। और ये रिट्रोवर्टेड यूट्रस किन किन लोगों को होने की संभावना होती है, जिन लोगों की आगे कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो, दूसरा जिन लोगों को बार बार पीआईडी की तकलीफ रहती हो, जिसको बार बार ल्यूकोरिया की तकलीफ रहती हो, तीसरा जिसकी यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, उसको भी रिट्रोवर्टेड यूट्रस हो सकता है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस के केस में भी रिट्रोवर्टेड यूट्रस देखने को मिलता है। यदि आप ये देखना चाहते हैं आपके यूट्रस की पोजीशन नॉर्मल है या नहीं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सोनोग्राफी करानी होती है। सोनोग्राफी से पता चलता है यूट्रस की साइज कितनी है और उसकी कौन सी पोजीशन में है। तो यदि रिट्रोवर्टेड यूट्रस है आपका, तो आपको ये लेग अप दी होल पोजीशन हेल्प करेगा। यदि आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है, यानी कि मैंने आगे भी बताया, आपको यदि बार बार वजाइनल डिस्चार्ज होता रहेगा, वाइट पानी गिरने की तकलीफ है, तो वजाइनल पीएच अल्टर हो सकती है। और यदि एसिडिक पीएच होगी वजाइना की, तो स्पर्म वहाँ पर डेथ हो जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यदि आपको ल्यूकोरिया की तकलीफ़ है, पीआईडी की तकलीफ़ है, और फिर उसी के चलते आपको प्रेगनेंसी नहीं रह रही,
तो वहाँ पर भी लेग अप टू होल पोजिशन आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि जैसे लेग अप टू होल पोजिशन में स्पर्म ऊपर जल्दी से पहुँच जाएंगे, तो आपको वहाँ पर जो वजनल पीएच अल्टर होगी, जिसकी वजह से स्पर्म को मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी, तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीओडी है, उसकी वजह से आपको नहीं रह रही प्रेगनेंसी, या फिर कोई और रीज़न है, वहाँ पर आप लेग अप टू होल पोजिशन ट्राई ना करें तो चल सकता है। लेकिन यदि आपको ऐसा हो कि हाँ, ये पोजिशन ट्राई करने में कुछ भी हार्म तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिलेशन रखने के बाद 10 मिनट तक आपका पैर हो वो इस तरह से अप पोजिशन में सोना चाहिए। इस तरह से 10 या 15 मिनट सोएंगे, उतना ही इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं सोना है। और कई बार रिलेशन रखते समय यदि आप अपनी बैक के नीचे पिल्लो रख देंगे तो भी ये काम इजीली हो जाएगा। ये दोनों में से कोई एक आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन कि रिलेशन के बाद कितने देर तक सोना है और कितने देर बाद हम उठ सकते हैं, तो 10 या 15 मिनट इनफ है। उसके बाद आपको उठ के अपने पार्ट्स को वॉश कर देना है, पर्सनल हाइजीन बहुत ही ज़रूरी है। यदि पूरी रात आप ऐसे ही सोते रहेंगे तो वहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, और इन्फेक्शन एक बार हुआ तो ऊपर असेंड करता है आपके एंडोमेट्रियम की जो एनवायरनमेंट है, आपके यूट्रस के एनवायरनमेंट है, उसको भी वो ख़राब कर देगा। माइक्रोब्स पलने के वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। टोटली आपको जो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो नहीं मेंटेन होगा यदि आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो अच्छे से पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप फ्रेंड्स, आपको इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ यही कंडीशन, आपको प्रेगनेंसी ना रुकने का कोई भी रीज़न हो, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ही अच्छा हेल्प करती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अपॉइंटमेंट के लिए सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहाँ पर जाके आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को जितना हो सके इतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो पहले लाइक कर दीजिएगा, और इस अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ही करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।